ड्रिंडल होजे का एक सिग्निफिकेंस है जब आप ड्रिंडल होजे पहनते हो तो यहाँ पर एक रिबन होता है ऑल द इट्स कॉल्ड एज बियर फेस्टिवल और अगर आप बियर के फैन हैं तो ऑफकोर्स ये आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो बियर मिलती हैं इतने बड़े बड़े ग्लासेस में एक क्रेजी एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है अक्टूबर फेस्ट का वो मैं आपको जरूर बताऊंगी वेल well, जैसा कि वीडियो में आपको टाइटल देख के भी पता चल रहा है फ़न फैक्ट्स तो फन फैक्ट्स काफ़ी सारे हैं जैसे ये जो मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है जैसे ड्रिंडल बोलते हैं जो कि जर्मनी की ट्रेडिशनल ड्रेस है बवेरियन की ट्रेडिशनल ड्रेस है इसके बारे में एक ऐसी खुफिया चीज जो आपको जानकर जो है बहुत आश्चर्य होगा मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था आ, प्लस इसको कैसे पहनना चाहिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी अदर देन बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करेगी अगर आप अक्टूबर फेस्ट में जा रहे हो और आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा कर देगी क्योंकि मैंने आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम आई एम अटेंडिंग म्यूनिक का अक्टूबर फेस्ट जो कि मेन होता है मैं एक बार थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देती हूँ किंग किंग ल्यूडविक की जो है वो शादी हुई थी और शादी के टाइम पे उन्होंने सबको जो है वो पार्टी दी थी ऑफ टेबल्स अरेंज करे थे बियर एकदम बिल्कुल अनलिमिटेड बियर बाटी थी तो लोगों ने काफी ज्यादा इंजॉय किया था बोलते ना पूरे गाँव शहर के सारे लोग ने जो है वो अटेंड करी थी शादी और सबने बहुत इंजॉय किया था और उसके बाद से ही इस फेस्ट का नाम अक्टूबर फेस्ट रख गया वेल उनकी शादी अक्टूबर में हुई थी बट अक्टूबर फेस्ट जो है वो सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सितंबर में जर्मनी में जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा होता है वेदर अच्छा होता है तो लोग भी जो हैं वो अच्छे से इंजॉय करते हैं दैट्स द रीज़न इसे जो है वो शिफ्ट कर दिया गया सेप्टेम्बर में और अक्टूबर फेस्ट में कोई फीस वगैरह नहीं होती कोई भी अक्टूबर फेस्ट में चला जा सकता है तो आप अगर यहाँ पर हो जर्मनी में तो जर्मनी में बहुत सारी सिटीज आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जगह जो, जो है वो अक्टूबर फेस्ट सेलिब्रेट करते हैं और आपको बिना कुछ टिकट लिए जो है वो आप उस पर्टिकुलर वेन्यू पे जा सकते हो तो इफ यू आर हेयर अराउंड हेयर जस्ट चेक इट आउट अक्टूबर फेस्ट और आप जाओ चौदह से पंद्रह दिन का होता है हाँ तो ड्रिंडल का जो फन फैक्ट ये है कि ड्रिंडल जो है वो ऑफकोर्स ट्रेडिशनल ड्रेस है अदर देन अक्टूबर फेस्ट में आपने देखा होगा यहाँ पर शादियों में भी लोग ड्रिंडल पहनते हैं इवन जो ट्रेडिशनल पार्टीज होती हैं ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भी मैंने लोगों को ड्रिंडल पहने देखा हुआ है काफी बार मैं जब यहाँ पर लेक्स वेक्स जाती हूँ तो लोग ड्रिंडल पहन के अपनी पार्टी करते रहते हैं इवन लेदर होजे पहन के अपने पार्टी करते रहते हैं जैसे हम लोग साड़ी और कुर्ता पजामा पहन के पार्टीज करते हैं कभी कभी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के वैसे ही ये लोग भी करते हैं बट फन फैक्ट ये है ड्रिंडल जब आप वहां पर पहन के जाओगे देयर इज समथिंग विच एवरी वन विल नोटिस स्पेशली लड़के वो ये है कि ड्रिंडल होजे का एक सिग्निफिकेंस है जब आप ड्रिंडल होजे पहनते हो तो यहाँ पर एक रिबन होता है अगर लेफ्ट साइड में रिबन है दैट मीन्स सिंगल राइट साइड में है दैट मीन्स टेकन और अगर बीच में है दैट मीन्स वर्जन और वो साफ साफ ये बताता है कि अगर कोई आके आपसे फ्लर्ट कर रहा है तो वो कर सकता है अगर आपने सिंगल जो है वो पोट्रे किया है या वर्जन पोट्रे किया है तो दैट मीन्स कि उससे भी बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे से फ्लर्टिंग करते हैं बहुत चिल टाइप का माहौल होता है स्ट्रेंजर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पर पार्टी एक दूसरे के साथ करते हैं तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत कॉमन है जो जर्मनी में थोड़ा सा देखना मुश्किल होता है वेल well, एक और चीज़ इससे रिलेटेड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ही वहाँ जाना होगा इट्स मैंडेट्री इट्स नॉट मैंडेट्री आप कुछ भी पहन के जा सकते हो इवन शॉर्ट्स पहन के जा सकते हो लोअर पहन के जा सकते हो

Although it's called as beer festival, और अगर आप बियर के फैन हैं तो अफकोर्स ये आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर जो है, वो मिलती है इतने बड़े बड़े ग्लासेस में जो मैंने प्रोस्ड करके ग्लास बताया था वो काफी छोटा ग्लास था इट कॉस्ट अराउंड लाइक लास्ट टाइम टिप के साथ अराउंड फिफ्टीन योर देन दैट और हाँ ऐसा है कि अगर आपको बियर पसंद नहीं है तो भी आप वहाँ की जो वाइब्स होती हैं उसको देखकर मैंने लोगों का सुना है कि लोगों को बियर अच्छी लगने लगती हैं एंड लोग जो है वो एक या दो बियर जो है दो लीटर ऑफ बियर वहाँ पर पी जाते हैं तो ये बहुत नॉर्मल है लेकिन अगर आपको बिल्कुल बियर पसंद नहीं है या आप अल्कोहल नहीं पीते हो या प्रिफर नहीं करते हो तो वहाँ पर नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स भी होती हैं जो कि नॉन एल्कोहलिक बियर होती है वो आप पी सकते हो जिसमें अल्कोहल नहीं होता और इसके अलावा अगर आपको बियर बिल्कुल पसंद नहीं है तो एक राडलर करके ड्रिंक होती है जो कि अ काइंड ऑफ लेमन फ्लेवर होती है जिसमें अल्कोहल परसेंटेज भी काफ़ी कम होता है 2.5 टाइप्स वो आप पी सकते हो वेदर दिस पर्टिकुलर जो बियर की बात कर रही हूँ इसमें अल्कोहल परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इट्स सिक्स परसेंट इसलिए मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि उनको वहाँ की बियर बहुत जल्दी चढ़ जाती है एंड दे एंड्स अप कमिंग इन अ नशा दैट्स ट्रू सो कमिंग टू दैट इट्स नॉट ओनली बियर इसके अलावा फन राइड्स फैमिली गेम्स एक्टिविटीज घूमना फिरना फूड इंजॉय करना जिंजर ब्रेड ये सब कुछ वहां पर होता है आई एम श्योर मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उन्होंने अक्टूबर फेस्ट की वाइब्स देख के विडियोज देख के ऑलरेडी दिस ईयर दे आर कमिंग फॉर अक्टूबर फेस्ट आपके भी कुछ फ्रेंड्स आ रहे होंगे या आप लोग अगर यहाँ रह रहे होंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप म्यूनिक में अक्टूबर फेस्ट जो है वो अटेंड करोगे बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज जानने की ये है कि आपको पहले से ही बुकिंग कराना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे एटलीस्ट म्यूनिक या बड़ी सिटीज जितनी भी हैं वो बहुत ज्यादा रश में रहती हैं बट लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपना जो भी स्टे है वो बुक कर चुके हो तो देयर इज वन थिंग विच आई शुड टेल यू एंड यू शुड डू इट कि आप यहाँ पर हॉलीडेज पे आ रहे हो और अक्टूबर फेस्ट इन्जॉय करने के लिए आ रहे हो दुनिया भर से लोग आते हैं आई थिंक थ्री फोर मिलियंस लोग जो हैं वो आते हैं यूएस ऑस्ट्रिया से तो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं तो आपको सुबह से ही बी फेस्ट अटेंड कर लेना चाहिए एंड बेस्ट पार्ट इज कि वीक डे पर सुबह से ही आपको टेंट जो कि बहुत बड़े बड़े टेंट होते हैं जिसमें एटलीस्ट दस हजार से भी ज्यादा लोग जा सकते हैं मतलब रह सकते हैं एक टाइम पे वो आपको मिलना इजी होगा तो यहाँ पर टेंट्स जो होते हैं लाइक जो बड़े बड़े ब्रू के कंपनीज हैं जैसे पोलिनर हो गई ऑगस्ट चाइनर हो गई इधर पर टेंट्स जो हैं ये एक, -एक साल पहले से जो है लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं मतलब पहले से ही बुक कर लेते हैं और फिर आपको वीकेंड्स पे मिलने में ऐसे और टाइम पे इवनिंग में मिलने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है लेकिन अगर आप आ, वीक डेज़ में सुबह से ही वहाँ चले जाओगे तो टेंट मिलना बहुत इजी हो जाता है इसके अलावा मैं एक और बात बता देती हूँ ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बुकिंग नहीं है टेबल नहीं है तो आप टेंट के अंदर नहीं घुस सकते हो नो यू कैन स्टिल एंटर इट आप हर एक टेंट की वाइब्स जो है वो ले सकते हो हर एक टेंट की वाइब्स बहुत डिफरेंट होती है फूड्स बहुत डिफरेंट होते हैं बियर जो है वो टेस्ट डिफरेंट कर सकती है बट बियर जो है वो तो वैसी ही होती है तो वाइब्स और एक्टिविटीज़ और वो सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है ऑफ यू विल सी कि लोग जो है वो म्यूज़िक वहाँ पर लाइव म्यूज़िक चलता रहता है टेबल पे खड़े होकर लोग डांस करते हैं बियर को इन्जॉय करते हैं प्रॉस्ट करते हैं तो ये बहुत ही ईजी होता है बट ऑफ कोर्स यू कैन लाइक टेबल नहीं है तो भी आप पूरा जो है वो चेकआउट कर सकते हो और कभी कभी जो लोग ऑलरेडी टेबल पे होते हैं फ्रेंड जब फॉर यू वो लोग आपको बोलेंगे यार हमारे साथ जो है वो मिक्सअप हो जाओ क्योंकि वहां लोग बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फन फैक्ट जो आपको जानना जरूरी है अगर आप अक्टूबर फेस्ट में आ रहे हो जैसा कि मैंने आपको बोला जर्मनी इज नोन फॉर कैश कैश इज अ किंग अंगेयर और यहाँ पर अक्टूबर फेस्ट में तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप कैश ले जाओ वहाँ पर कहीं पर भी नहीं चलता इवन अगर आपको पानी भी पीना है, है तो आप जो है पर हाँ ठीक है अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आप वहां की एटीएम मशीन से निकाल सकते हो बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा खासा कैश लेके जाओ और हर चीज क्योंकि वहां बहुत ज्यादा महंगी होती है जैसे मैंने आपको बोला एक डियर ही 15 यूरो टिप के साथ थी तो इस बार और ज्यादा महंगी हो जाएगी और हाँ हर चीज की टिप देना इम्पॉर्टेंट होता है एटलीस्ट अगर आप टेंट के अंदर हो और आपको टेबल मिल गई है तो अब आप जब भी टेंट में घुस जाओगे और आप वहाँ की वाइब्स जो है वो लेने लगोगे तो आप वहां पर तो बहुत ज्यादा इंजॉय करने लगोगे बट माइंड इट वन थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट कब है जैसे इंडिया में रात भर चीजें चलती रहती है बट यहाँ ऐसा नहीं है लास्ट ऑर्डर वो जो है वो दस बजे आपको रात में लेंगे और टेन वो जो वो 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 खाली करने 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 लगेंगे। जो 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 है वो, वो जो है 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 लगते लगते हैं। है हैं। हैं एक पैर से उनके उठाते होता मैंने देखा but जो है वो करने लगते हैं। और इलेवन तक तो आप देखोगे सब सारे टेंट्स वगैरह जो है वो क्लोज हो जाते हैं और जितनी भी शॉप्स हैं वो भी सारी क्लोज हो जाती हैं तो लास्ट कॉल जरूर ध्यान में रखना और उस टाइम तक इतनी भी मत बियर पी लेना कि आप अपने घर मत जा पाओ क्योंकि मैंने ये भी बहुत ऑफ्टन देखा है यहाँ पर कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा होता है वहाँ की वाइब्स ऐसी होती है कि लोग इंजॉय करने लगते हैं एंड दे एंड अप ड्रिंकिंग मोर बियर एंड उससे ऑफकोर्स साइड इफेक्ट आपको पता ही होगा एंड uh, जब भी धूप होती है या अच्छा वेदर होता है तो वाइफ बहुत अच्छी होती है मैं भी जैसे लड़कियों के साथ जाती हूँ दीपक लड़कों के साथ जाता है फिर हम लोग एक साथ भी जाते हैं तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जाते हैं और मैंने देखा है हर एक ग्रुप में हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं तो यू ऑल्सो ट्राई टू डू लाइक दैट वीकडेज़ में हम लोग छुट्टी ले लेते हैं कभी और छुट्टी लेके जाते हैं तो हम लोगों को टेबल भी मिल जाता है एंड देन वी कॉल आर फ्रेंड्स टू ज्वाइन और वो भी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली फेस्टिव माहौल होता है वो सारे दिन तो ट्वेंटी फर्स्ट से सिक्स अक्टूबर तक फेस्टिव माहौल होगा और काफ़ी सारे आपको बाहर के लोग भी यहाँ पर दिखेंगे क्योंकि बहुत मिलियंस में जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और ये फेस्टिवल अटेंड करते हैं वेल well, आप कौन सी सिटी में ये फेस्टिवल अक्टूबर फेस्ट जो है वो अटेंड करने वाले हो वो जरूर कमेंट करना आपने ऑलरेडी अपनी बुकिंग करी है किस सिटी में करी है किस सिटी में आ रहे हो वो भी कमेंट करना कोई भी हेल्प चाहिए क्योंकि वी लिव इन म्यूनिक तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और हमसे जितना हो पाएगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे वेल well, आपका कोई क्रेजी एक्सपीरियंस है अक्टूबर फेस्ट का पहले से रिलेटेड मेरे पास है बट आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो तो मैं आपको कभी इंस्टाग्राम पर बताऊँगी एक क्रेजी एक्सपीरियंस जो मैंने देखा सुना है और खुद से भी देखा है अक्टूबर फेस्ट का वो मैं आपको जरूर बताऊँगी वेल well, क्रॉस्ड फॉर नाव एंड हाँ इंजॉय इंजॉय करो और आप यहाँ पर इफ़ यूर हैडिंग टू वर्ड्स अक्टूबर फेस्ट सो आई एम वेटिंग फॉर यू यू डोंट नो कि मैं भी आपको वहीं घूमती फिरती मिलू बाय फॉर नाओ और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बा बाय